हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे से पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प मिश्रा। आज हम आप सभी के लिए मैथमेटिक्स की सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी 2.2 उसके बारे में बात करेंगे। पिछली एक्सरसाइज होती है उसमें हमने 2.1 के बारे में बात की थी और उसमें आपको हम सिखाया था कि किस तरीके से आप मैथ को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। उसमें हमने पहले सीखा था कंसेप्ट कि किस तरीके से मैथ को पढ़ा जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाना है। तो आज हम उसी बेसिस को आज भी फॉलो करेंगे और देखना ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत ईजी लगने वाली है और इस एक्सरसाइज को भी हम कल की तरह उड़ाने वाले हैं। तो सभी बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप 2.1 एक्सरसाइज देख लीजिए। उससे क्या है कि आपके एक तो बेस और अच्छा क्लियर हो जाएगा और आपको थोड़ा सा पढ़ने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो भी पता चल जाएगा। तो आज हम 2.2 स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है और फिर हम उसका बेसिक सीखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, तो आपके NCERT के 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3x। हिंदी में इसको पढ़ें तो निम्नलिखित पर बहुपद आपको दिया हुआ है 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ना x कुछ वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि कोई भी इक्वेशन देखे कि आपको उस इक्वेशन के बहुपद ज्ञात करने। देखो बहुत सिंपल होता है, उस इक्वेशन के आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करना होता है कि जो भी x आपको दिया है ना, आपको उस x की वैल्यू बस उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और फिर हम क्वेश्चन में फोड़ डालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कॉपी पेन बच्चे हाथ में ले लें, कोई भी डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कर देना, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है क्योंकि हमको मैथ को बहुत इजी बनाना है और मैथ का जो भी हमारे अंदर फोबिया था ना, हम उसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आपको मैं मैथ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके अंदर का जो भी फोबिया है वो सब दूर हो जाए। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए काम करते हैं, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। तो अगर इसमें इसका फर्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक पैटर्न को फॉलो करना आपको। देखो सबसे पहले कभी भी आपके पास क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन दी हो और उस इक्वेशन के आपसे मान पूछे हो, मान यानी कि आपसे उसकी वैल्यू पूछी हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी है ना, उस इक्वेशन को आप पी एक्स के इक्वल में रख लेना। ध्यान रखना क्वेश्चन का लिखने का एक पैटर्न होता है, जब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप उसको सही तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या काम बताया है कि जो भी हमको पी एक्स दिया हुआ है आप उसके इक्वल में कंप्लीट इक्वेशन को आप लिख लीजिए, जो इक्वेशन आपको दी हुई है, सबसे पहला काम। क्लियर हो गया इतनी सी बात। अब इस इक्वेशन में ना हमको पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो भी पी एक्स की वैल्यू होगी वही आपके बहुपद की वैल्यू कहलाएगी। कैसे निकालेंगे, तो सब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को हम लेके चलते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, यानी कि आपको x की वैल्यू जीरो रखनी है और इस पी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको क्या काम करना है, जहां जहां आपको इक्वेशन में x नजर आ रहा है वहां आप ये जीरो पुट कर दीजिए। जैसे कि मैं पुट करना स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले जहां पर x था मैंने वहां पर जीरो रखा, देन इक्वल, फिर 5 है और फिर इसकी इंटू में x है। ध्यान रखना किसी भी दो डिजिट के बीच में अगर कोई भी संख्या नहीं होती है तो हमेशा इंटू मान के चलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2x के बीच में बताइए कौन सा साइन है, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू में एक्स। ध्यान रखना हमेशा कभी भी कोई भी आपको डिजिट दी जाए तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, यानी कि 3 इंटू में क्या है, वाई। लेकिन इतना भी ज़्यादा कंसेप्ट में जाना कि कभी आपको 23 मिले और आप समझो कि 2 × 3 है, नहीं। मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक वेरिएबल वैल्यू, मतलब जिसके अंदर एक होती है मैथ की टर्म जिसको अचरपद बोलते हैं और एक चरपद होती है यानी कि x। तो जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में होती है ना, तभी उनके बीच में आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लोगे। अगर दोनों ही न्यूमेरिकल हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कहोगे। ध्यान रखना ये सिंपल सा बेसिक जो मैंने आपसे बात करी है, बेसिक को आप जोड़ते जाना, क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका बेस क्लियर होगा आपको मैथ में उतना ही ज़्यादा मजा आने लगेगा। तो कभी भी मैथ पढ़ो बेसिक पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना, जितना आप बेस पे फोकस करोगे आपका कॉन्सेप्ट इतना ईजी हो जाएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो x के बदले क्या रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया, तो मैंने लिखा 5 × 0, देन माइनस, फिर 4 है हमारे पास, फिर इंटू में x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप 0 रख दीजिए, प्लस में 3। क्लियर है।
अब आपने बचपन से ही पढ़ा है कि अगर हम किसी भी संख्या की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ध्यान रखना, अगर कभी भी मैं 3 × 0 से करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 3। किसी की भी संख्या की अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में से क्या आने वाला है, जीरो। जैसे कि अगर मैं एक्स की पावर 100 की मल्टीप्लाई जीरो से करता हूं तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब जीरो का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कभी भी हम किसी भी संख्या की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमको क्या मिलता है, जीरो आंसर हमको मिलता है। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो दो बात हम सीख चुके हैं कि अगर कभी भी दो टर्म लिखी हुई है और उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। और दूसरा हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि कभी भी किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर जीरो से होती है तो पूरा आंसर क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। देन माइनस, इस टर्म का आंसर भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है, जीरो है। प्लस में क्या बचेगा, थ्री बचेगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है वो क्या होगा, थ्री होगा। यानी कि इस इक्वेशन में फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू होने वाली है पॉलीनोमियल की, वो आंसर क्या होगा, हमारा थ्री आंसर होगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये सिंपल सा बेसिक था जिसमें हमने कुछ बातें जानी है कि कभी भी किसी भी टर्म के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो उसके बीच में हमेशा किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। और अगर किसी की भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है, और उस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, बिल्कुल सही, उड़ाना है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से उड़ाना है कि बस मजा आ जाए और आप भी कहो कि क्या बात है। तो बिल्कुल आप संकल्प मिश्रा सर की क्लास में हो तो मैथ से आप डरना नहीं है, मैथ का फोबिया बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से आप अपने फोबिया को दूर करोगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं बोर्ड को, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है। अब आपको -1 वैल्यू पुट करनी है। चलिए मेरा बोर्ड खाली हो चुका है, चलिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूं और आप भी जल्दी से सॉल्व करिए। सबसे पहला काम, इक्वेशन को px के इक्वल में रखना है। ध्यान रखना कुछ बेसिक बातें हैं, ट्रम पे चलोगे, मैथमेटिक्स में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं तो हर एक स्टेप को हमको फॉलो कर चलना है, बिल्कुल स्टेप के साथ। जितना आप स्टेप पे फोकस करोगे आपका क्वेश्चन उतना ही सिंपल और इजी होता जाएगा। चलिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या करें, हमसे कहा है कि x की वैल्यू है -1, तो जहां जहां आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू दिख रही है वहां पर आप क्या रख दो, -1 वैल्यू आप पुट कर दो। चलिए मैं पुट करता हूं, जहां जहां मुझे x है, पहला x हमारे पास यहां पर है तो हमने यहां पर क्या रख दिया, -1 इक्वल देन 5। ये किसमें है, 5 और x, बिल्कुल सही, इंटू में, जहां कोई भी साइन नहीं वहां पर किसका साइन होगा, इंटू यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो इसके मल्टीप्लाई में रख देंगे हम -k1। ध्यान रखना माइनस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, उससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल सा और देखने में अच्छा लगता है कि 5 × -1, ठीक है। देन माइनस, फिर 4, और फिर इसके मल्टीप्लाई में -1² और प्लस में 3। चलिए अब सिंपल सा फिर से समझते हैं कुछ बातों को जो आपको ध्यान रखनी है नोट पॉइंट में। देखिए अगर कभी भी आप किसी भी संख्या की माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि यहां पर हमको दिया हुआ है 5 × -1, तो 5 × 5 होता है और ये माइनस कहाँ जाता है, इसके आगे आ जाता है। ध्यान रखना अगर किसी भी संख्या की हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस उसके आगे आ जाता है, और जो माइनस के पीछे संख्या है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर 5 × 5 हमने 5 किया और माइनस हमारा बाहर आ गया, यानी कि 5 × 1 = 5 और माइनस का साइन बाहर आ गया। क्लियर है? तो पहली बात आप समझ चुके हो, यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -k5 लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखिए माइनस तो यहां भी है तो माइनस तो यहां भी बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यहां पर माइनस की संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर जो माइनस में टर्म हो और उसके ऊपर 2 से कटने वाली पावर हो, 2, 4, 6, 8, 10 वो पावर हो जो 2 से कट जाए, तो वो माइनस ना पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, चलिए देखते करके। अगर मैं इस माइनस को लिखता हूं, देखो पावर 2 का मतलब क्या है कि -1 की मल्टीप्लाई -1 में करनी है, तो जब हम 1 × 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, और माइनस के माइनस से करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का साइन हमारा बन जाएगा। इसीलिए अगर कभी भी किसी संख्या की जो माइनस में टर्म हो उसकी पावर आपको 2 के मल्टीप्ल में दी भी है, 2, 4, 6, 8, तो अंदर वाला माइनस पॉजिटिव बन जाता है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला जो माइनस हमारा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 1² बन जाएगा एंड प्लस में 3। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये संख्या डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 × 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारा माइनस का 4 ही बचने वाला है। क्लियर है?
अब आप क्या करिए, आपने पहले माइनस वाली टर्म को अलग जोड़ दो, उससे क्वेश्चन आपका और इजी हो जाएगा। जैसे ये दोनों टर्म किसकी है, माइनस की टर्म है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को पहले ऐड कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस ध्यान रखना साइन का भी कन्वर्जन याद रखना है आपको। अगर कभी भी दो टर्म माइनस में है तो आंसर हमेशा माइनस आएगा और साइन भी आगे माइनस ही लगाते हैं। अगर दोनों टर्म प्लस में है तो आंसर हमेशा प्लस में आता और साइन भी प्लस ही लगाते हैं। और अगर एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो तो हमेशा माइनस होता है और आगे साइन लगाते हैं बड़ी संख्या का। क्लियर है? तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर मेरे सामने दोनों टर्म ये माइनस की हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, देन प्लस 3। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि अगर मैं 9 में से 3 को माइनस करता हूं तो आंसर कितना आने वाला है, जल्दी बताइए कितना आएगा, 6 आएगा। बिल्कुल ठीक, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके सही से लिख देता हूं, तो आंसर हमारे पास आएगा 6। साइन किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, बिल्कुल सही जवाब। देखो इसी तरीके से पढ़ना, आप कंसेप्ट को जितना अच्छे सीखते जाओगे ना उतना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या माइनस की है। तो इसका जो हमारा वैल्यू आई है वो कितना, ये माइनस के 6, यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम माइनस 1 रखते हैं तो आंसर हमारा आता है माइनस के 6। क्लियर हो चुका है आपको? चलिए अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आपको घर पे आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा आपके अंदर से मैथ का फोबिया खत्म नहीं होगा। मैं संकल्प मिश्रा आपको मैथ पढ़ाता रहूंगा और आपके अंदर से जो भी मैथ का फोबिया उसको खत्म करके रहूंगा, ये मेरी गारंटी है और आपसे ही मेरा प्रॉमिस है। बस आपको क्या करना है, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहना। मैं आपको इसीलिए अभी एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ जिससे कि आपके जो एग्जाम है उसके बेसिस पर आपका बेस अच्छा हो जाए, उसके बाद फिर हम आरडी शर्मा टफ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको इतना मजा आएगा ना, मैं कह रहा हूँ आप पूरी आरडी शर्मा ऐसे उड़ा दोगे कि जैसे कभी मैथ थी नहीं उसके अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ईजी आपको मैथ लगेगी, बस आपको कंसेप्ट, आपको बेसिक पे फोकस करना है, बेसिक पे आपको पकड़ बनानी है। और मैं इसीलिए आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कमी देखी ना वो मैंने कंसेप्ट बेसिक की देखी है। बच्चों को बेसिक नहीं आता है और फिर वो मैथ से डरते रहते हैं। भाई जब तक बेसिक नहीं आएगा मैथ का डर आपके अंदर रहेगा रहेगा, और उसको दूर करने का जिम्मा लिया है संकल्प मिश्रा यानी कि मैंने, और मैं आपका डर अंदर से खत्म करके रहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, ये आपको सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट है फिर मुझसे वो अगली वीडियो आपको पूछना ही, नहीं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड पी ब्रैकेट 0 पी 1 एंड पी 2 फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीनोमियल्स, यानी कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी 0 पी 1 एंड पी 2 का मान ज्ञात करिए। मतलब आपको ना बहुत सारी इक्वेशन दी हुई, जैसे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इन इक्वेशन में ना आपको ये तीनों वैल्यू पुट करनी है और ये तीनों वैल्यू रखने के बाद आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा आपका। तो बहुत सिंपल सा है। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और फिर आप सॉल्व करें, ठीक है? पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ और फिर आप करेंगे जैसे कि हम करते हैं हमेशा। तो देखो मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसने पहले से ही पी वाई के बगल में हमको दिया हुआ है, तो हमारे काम तो आसान हो गया। पहले हम क्या करते थे, जो भी इक्वेशन देता था उसको पी एक्स के इक्वल में रखते थे और यहाँ पर इन्होंने रख के हमें दिया है, तो ये काम तो इन्होंने हमारा वैसे ही बहुत आसान कर दिया है और अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है। इक्वेशन लिखने के बाद आप इन तीनों में से एक एक वैल्यू को आपको उठाना है और इस इक्वेशन के अंदर पुट करते जाना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहली वैल्यू को उठाता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास है उसमें कहा है कि पी नॉट जीरो हमको निकालना है। आप क्या करो, इस इक्वेशन में जहां जहां आपको वाई नजर आ रहा है, देखो पी के अंदर क्या है, यहाँ पी के अंदर जीरो तो यहाँ पी के अंदर क्या है, वाई है। मतलब जो भी पी के अंदर टर्म है उसके अंदर वही वैल्यू पुट कर देना आपको जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। जैसे यहाँ पर इसने पी जीरो बोला है, तो आप क्या करो इस इक्वेशन में जहां जहां आपको y नजर आ रहा है वहां वहां आप जीरो पुट कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है और फिर क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। अब अभी हमने पीछे कंसेप्ट में क्या सीखा है कि अगर कभी भी जीरो के कोई भी मल्टीप्लाई में हो, जीरो की कुछ भी पावर हो, वो हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। यानी कि इसमें इसका आंसर भी जीरो होगा, इसका आंसर भी जीरो होगा और प्लस में वन बचेगा, यानी कि लास्ट हमारा आंसर क्या आने वाला है, प्लस के वन। यानी कि अगर पी की डॉट की वैल्यू निकाली जाए, पी जीरो की वैल्यू निकाली जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। क्लियर है? अब आप दूसरी वैल्यू को उठा लीजिए। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, पी ब्रैकेट वन,
यानी कि जहां जहां इक्वेशन में वाई, अब हम आपको क्या रखना है, अब बिल्कुल सही जवाब वन रखना है। देखिए आप मास्टर लोग बन चुके हो यार, अब तो बस मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, मैं सही बताऊँ आपको, आप बिल्कुल मस्त हो चुके हो मैथ में, और आप मैथ की आप पकड़ आपके हाथों में है, और आपको मैथ को आप बिल्कुल उड़ा देना है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर समझते, देखो वन का स्क्वायर है, पहले वन का स्क्वायर क्या होता है चलिए बताइए मुझे, बिल्कुल सही वन होता है, चलिए बिल्कुल इस तरीके बेस का चलना है, देन माइनस वन है फिर प्लस वन है। देखो माइनस प्लस कट जाता है भाई, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, अगर आप कभी भी प्लस वन में माइनस वन करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही तो आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या बचा, हमारा आंसर बच गया वन, यानी कि अगर हम पी वन की वैल्यू रखते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, वन आएगा। चलिए मैं आपको पी नॉट की वैल्यू रख के दिखाता हूँ, पी टू की वैल्यू, वैसे पी टू की वैल्यू तो आप खुद भी रख लोगे, चलो मैं एक क्वेश्चन को तो पूरा कर ही देता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर तो बहुत ज़्यादा आलसी हो गया हम। चलिए कोई नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मेरा आलसी होना बनता है, और आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दूँ, अच्छा नहीं देना है, चलिए ठीक है करते हैं। तो पी टू की वैल्यू निकालते हो, पी टू में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ इक्वेशन में आपको वाई दिया हुआ है वहाँ वहाँ आप टू रख दीजिए, ठीक है। ये हमारा सेकेंड था इसका, ये हमारा थर्ड है इसका, चलिए अब रखते हैं हम। तो सबसे पहले टू रखेंगे, देन टू का स्क्वायर माइनस के टू प्लस का वन, हमारे पास टू का स्क्वायर क्या होता है चलिए बताइए। देखो स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं है, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या की उसी में गुणा करनी है, तो आंसर कितना आएगा हमारा, चार आएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगाना आपको, तो टू का स्क्वायर चार है, माइनस में टू प्लस में वन, चार में से अगर आप दो घटाते हो तो दो बचता है, फिर प्लस का वन बचा हुआ है, तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, थ्री आंसर आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री आंसर होता है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, और मुझे पता है कि अब आप जो है इसको 100% आप सॉल्व कर दोगे, और अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है, किसी को लगता है कि सर नहीं समझ में नहीं आया, तो मैं कह रहा हूँ फिर से आपसे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना, मैं आपको उसका 101% आंसर दूंगा। आप बिल्कुल भी ये मत हिचकिचाना कि नहीं सर आंसर बताएंगे या क्या कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इसीलिए आया हूँ इस मंच पे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और आपके अंदर का मैथ का फोबिया खत्म कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन में देखो सारे नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँ पी नॉट जीरो पी वन मैं कर रहा हूँ, पी टू आप निकाल के मुझे दिखाना, ठीक है ना, क्योंकि मैं सारे करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आप इस वीडियो से बोर होने लगोगे। चलिए जी मैं आपके लिए पी जीरो की वैल्यू निकालता हूँ, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको क्या रख देना है, बस जीरो पुट कर देना, और कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके अंदर रखा मैंने जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, चलिए जी अगर जीरो में से आप कुछ भी माइनस करते हो तो वही संख्या बचती है, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जीरो से ना तो आप कुछ जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो, और अगर यहाँ से करते हैं हम तो यहाँ से हमारे पास केवल क्या बचेगा, प्लस का वन बचेगा, यानी कि वन बचा है। अब जब आप माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हो, देखो एक एकम एक होता है, यहाँ प्लस है, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा किसका आता है, माइनस का। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस की जब भी लड़ाई होगी हमेशा माइनस ही जीतता है, ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। चलिए अब पी वन की वैल्यू निकालते हैं, तो पी वन की वैल्यू में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ इक्वेशन में एक्स दिया हुआ है वहाँ वहाँ आप वन रख दीजिए, तो वन माइनस वन वन प्लस वन, इसमें से वन में से वन माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। भाई जब भी सेम संख्या में से सेम संख्या को माइनस करते हो, अगर टू माइनस टू करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो तो आएगा, थ्री माइनस थ्री क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा, सेम वन माइनस वन क्या आएगा, हमेशा जीरो आने वाला है, ठीक है जी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हर एक कंसेप्ट की बात करते हुए चलेंगे जीरो से। देखो मैं आपको जीरो मान के चल रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको बेसिक बहुत कमजोर हो, मैं मान के भी चल रहा हूँ, जिनका बेसिक अच्छा है उनको बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत अच्छी पहले मेहनत की है और आप आगे भी अच्छी मेहनत करोगे। जिनका बेसिक कमजोर नहीं है मैं उनके साथ हूँ और उनको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने आया हूँ। वन और वन कितना हो जाएगा हमारा, टू हो जाएगा, टू की जीरो से अभी आपने सीखा है कि जीरो की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, जीरो आंसर आता है। तो दो मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था मैं करूँगा, और थर्ड आपने प्रॉमिस किया है कि पी टू की वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको सॉल्व करना है। नहीं होता है कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर हम उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, जिसमें बहुत सारी आपको इक्वेशन दी हुई है और उनके साथ आपको कुछ वैल्यू भी दी हुई है। क्वेश्चन में सर बोला है वेरीफाई वेयर द फ्लोविंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो जीरोस में कुछ नहीं है, उन्होंने बोला एक्स की वैल्यू जीरो। देखो जीरोस का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी एक्स की वैल्यू दी है ना उसको आप यहाँ पर पुट कर दो और जो भी आंसर आएगा उसी को उसका जीरोस माना जाता है। मतलब उन्होंने बोला है कि ये जो है ना ये जीरो है, इसके जीरो मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू है जिससे इक्वेशन का आंसर निकलता है और आपको पुट करके बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरीफाई वेदर द फ्लोविंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। और इन्होंने बोला है कि आपको वेरीफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो जीरोज बनेगी, मतलब अगर किसी इक्वेशन की वैल्यू जीरो आती है तो वो जीरोज कहलाएगा, अदरवाइज वो जीरोज नहीं कहलाएगा।
चलिए अब पहलू को पुट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एज ए बेसिक हम ले लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अभी मैंने आपको जो बताना वही काम है। यहाँ x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -1/3, और आपको क्या करना है इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां आपको इसको पुट कर देना है, और आंसर हमको जीरो लेकर आना। अगर आंसर जीरो आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ जी ये इसका जीरोज है, और अगर नहीं आता है कुछ और आंसर आता है तो हम बोलेंगे कि इसका जीरोज नहीं है, इट इज नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल इक्वेशन। चलिए जी चेक करते हैं, तो p के x के बदले क्या रखूंगा मैं, -1/3। देखो बहुत आराम से सॉल्व करना है, हमको भागना नहीं है बिल्कुल भी, धीरे धीरे। x के बदले क्या रखेंगे हम, -1/3, और प्लस में 1 है हमारा, मतलब जहां जहां इक्वेशन में x था वहां मैंने क्या रख दिया, -1/3। चलिए जी अब देखो ये दोनों टर्म इंटू में है ना, तो मैंने कहा था भी इंटू में होता है तो माइनस कहां जाता है, आगे आ जाता है, तो माइनस तो आगे आ गया, 3 इंटू में क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1। जब भी दो टर्म इंटू में हो और एक अपॉन में हो सेम संख्या, तो वो उसे डिवाइड कर देती है। तो इस कंसेप्ट में क्या होगा, ये 3 इसको डिवाइड कर देगा और हमारे यहाँ से बचेगा -1 + 1। और जब भी सेम संख्या के आगे साइन डिफरेंट हो, जब माइनस हो प्लस हो, तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो उसका आंसर आता है। यानी कि इस इक्वेशन का आंसर जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये इस इक्वेशन का जीरो है। क्लियर हो गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप होमवर्क में करना सॉल्व। देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूं उसमें कोई समझदारी नहीं है, उसमें तो फिर वही बात है कि अगर मैं आपको कोई एनडी कुंजी ला के दे देता हूँ आप उसमें से भी नकल कर लोगे, क्योंकि हमें मैथ को सीखना है, हमें फोबिया दूर करना है, तो आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको सही बताऊँ मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर कराना, आपका बिल्कुल बेसिक सही कर देना, और उसके बाद आपका काम है पूरी एक्सरसाइज को फोड़ डालना, तो वो आपको ही फोड़ना है, वो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू हमें दी है 4/5, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पुट कर दीजिए आप, बस इतना सा काम आपको करना है। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ इतना बड़ा कंसेप्ट है कि अब आपको इससे डर लगने वाला है, और आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आप संकल्प मिश्रा जी के स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये इंटू में दोनों, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 - π बचेगा। क्या आंसर जीरो आया, नहीं आया आंसर जीरो नहीं आया, यानी कि हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का जीरोज नहीं है, क्योंकि आंसर बचा हमारे पास 4 - π। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आप सभी के लिए। अब यहाँ पर दो वैल्यू दी भी आपको, एक वैल्यू दी है -1 और एक वैल्यू दी है 2, तो मतलब आपको एक बार -1 रखना है इसके अंदर और एक बार आपको 2 रखना है। चलिए पहले हम मान के चलते हैं कि x की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 के लिए क्या करना है आपको, जहां जहां x है वहां वहां आपको -1 रख देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। और चलिए जी रखते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि हो जाएगा हमारा -3। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगता है क्योंकि दोनों ही माइनस की संख्या है, और जब भी जीरो के साथ कोई भी माइनस प्लस हो तो वही आंसर हमारा आ जाता है। क्या आंसर जीरो आया, नहीं आया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू भी इसकी जीरोज नहीं। चलिए अब 2 पे एक बार चेक करते हैं, क्या 2 पे हमारा जीरो आंसर आएगा कुछ, सॉरी यहां पर एक गड़बड़ मैंने कर दिया, रुक जाइए। देखिए इसे ही कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी नहीं हटानी आपको। ये दोनों ना इंटू में थे, तो मैंने इंटू में नहीं लगाया इसको, ये -3 ब्रैकेट में आएगा। अब इसकी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा, और इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा इस इक्वेशन का जीरोस है। सॉरी क्लियर हो गया आपको, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इनके बीच में किसका साइन है, इंटू का साइन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब 2 रखना है हमको, तो जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां वहां आप 2 रख दीजिए, तो 2 - 2 ये दोनों ऐड होकर 3 आएगा, इन 2 का साइन ध्यान रखना है, इस बार इनमें से कटाएंगे तो 0, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये दोनों ही इस इक्वेशन के जीरोस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, देखो जो जो क्वेश्चन मुझे लगा कि आपके लिए टफ हो सकते हैं तो उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं, बाकी आपको खुद होमवर्क में करना, और जो भी डाउट है वो मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना। इस बार इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू है -m/l, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप इसको पुट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो माइनस के एम अपॉन में एल इक्वल में एल इंटू में माइनस के एम अपॉन में एल और प्लस में एम। चलिए जी इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में, तो माइनस आगे आने वाला है, माइनस एल हो जाएगा, और इंटू में आएगा एम अपॉन में एल, और इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा माइनस के एम प्लस के एम, और जब संख्या सेम हो लेकिन साइन अलग हो तो आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो आंसर आता है, यानी कि ये भी इसका जीरोस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेम ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन भी है नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको जीरोस निकालना है, लेकिन इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस बार।
पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, एक्स की वैल्यू दी थी तो हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते थे। इस क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी क्वेश्चन आए और वो कहता है कि आपको जीरोज निकालना है, तो आप पूरी क्वेश्चन को जीरो के इक्वल मान के चलना। जैसे चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ पर इसने बोला है कि इस इक्वेशन को आपको जीरोज फाइंड करने हैं। इसके कभी भी आपको जीरोज यानी कि शून्य फाइंड करने हो, हिंदी में इसको शून्य कहते हैं, शून्य फाइंड करने हो, तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है यानी कि पी एक्स, आप इसको जीरो के इक्वल मान लीजिए। ध्यान रखना सबसे पहले काम जीरो फाइंड करने तो आप इसको ही जीरो मान लीजिए। यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास एक्स प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारा मैथ का कंसेप्ट कहता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रखो, बाकी सारी संख्या को दूसरी तरफ ले जाओ। यानी कि इस माइनस फाइव को हम क्या लेंगे, इधर ले आएंगे। और अगर कभी भी कोई संख्या एक साइड से दूसरी साइड में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये प्लस की है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस फाइव की हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के जीरोस क्या होगा, माइनस फाइव। क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल सा है। जो भी आपको इक्वेशन दिए उसे आप जीरो के इक्वल में रखिए और जो भी इसके साथ संख्या उसको सबको आप दूसरी तरफ ले जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि और आपको क्लियरिटी हो जाए। सेम इसमें क्या करना है, आपको पी एक्स को जीरो के इक्वल में रखना है क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करने हैं। पी एक्स का जीरो का मतलब क्या है कि जो भी इसके साथ इक्वल में है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमको निकालनी है एक्स की वैल्यू तो सारी चीजों को आपको दूसरी तरफ लेके जाना है। यानी कि पहले हम किसको लेके जाएंगे, जो अकेली चीज है प्लस की है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, ये माइनस के फाइव। अब जो इसके मल्टीप्लाई में, देखो जब भी किसी के कोई प्लस माइनस में होता है तो वो उधर जाके अपने साइन चेंज करता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। और अगर कोई मल्टीप्लाई में है ना तो ये डिवाइड में जाता है, ध्यान रखना। डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में आता है, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाता है। यानी कि हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फाइव अपॉन में टू, ये हो जाएंगे इसके क्या, जीरो। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हमारे पास सेम वही है। इसने कहा है कि इस बार जो ए है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर ए जो है उसको आप जीरो नहीं रख सकते हो, हमें तो एक्स की वैल्यू रखनी है, क्या फर्क पड़ता है नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले आप क्या करिए, इसको जीरो के ऊपर रखिए, एक्स वैल्यू जीरो रखेंगे तो ए एक्स हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। और ए हमारा जैसे ही जीरो के अपॉन में जाएगा तो जीरो के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमेशा जीरो आंसर बन जाता है। यानी कि एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पर जीरो है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, पी एक्स बराबर में सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने बोला है सी एंड डी आर कोई रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर, क्या फर्क पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, उन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं करने की जरूरत है। इनका मतलब क्या, देखो इनका मतलब होता है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो से लिखा है कि अगर आप सी की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा, और जीरो कभी भी अपॉन में नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना कंसेप्ट, किसी भी संख्या के नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका आंसर होता है अनंत, ऐसा आंसर जो कभी हम फाइंड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी। तो इसलिए कभी भी जीरो नहीं आता है, इसमें पहले आपको वार्निंग दे देता है कि आपको कभी भी इसको जीरो नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो इस साइड में जो इन्फॉर्मेशन उसका मतलब यही होता है, तो ज्यादा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो जहां जहां हमको पी एक्स का मान के चले हमको जीरो मान के चले, अब जो पूरी इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू तो पहले इसको उधर लेके जाओ, तो सी एक्स बराबर बचेगा माइनस के डी, भाई प्लस का है ना इधर, तो उधर आके किसका हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो जाएगा इधर का माइनस का डी, और सी इसके अपॉन में जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के डी अपॉन में सी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका और हमने इसके जीरो भी फाइंड कर लिया। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। अब इसमें जो बाकी क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको आराम से उनको सॉल्व करना है, पूरा दिमाग लगाना है, पूरी पावर लगा देना। मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप इस लेक्चर को देखना दोबारा से अगर आपको कोई डाउट रहता है तो, नहीं तो आप एक्सरसाइज को फोड़ दोगे, आप पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। और फिर भी कोई डाउट होता है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं संकल्प मिश्रा आपके साथ हूँ, आपके जो भी डाउट है एक एक डाउट आपको क्लियर कराऊंगा, चाहे उसके ऊपर मुझे वीडियो जरूर को ना बनानी पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है, बेहिचक जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। चलिए अब बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नए कंसेप्ट के साथ। जब तक आप मेहनत करिए, पढ़िए और हर एक्सरसाइज को इसी तरीके से उड़ाते रहिए, बस रूल ध्यान रखना, पहले कंसेप्ट उसके बाद एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सबको बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।